This question is from electrostatics chapter if integration over the closed surface e vector dot ds vector is equals to 0 over a surface then option 1 the magnitude of electric field on the surface is constant option 2 all the charges must necessarily be inside the surface option 3 the electric field inside the surface is necessarily uniform ऑप्शन फोर द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सर्फेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लिविंग इट स्टूडेंट्स क्या हम जानते हैं नेट फ्लक्स का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है नाउ एज पर द डेटा ये इंटीग्रेशन का जो आंसर है दैट इज जीरो यस yes, इसका मतलब हुआ द नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज जीरो नेट फ्लक्स क्या हुआ सर जीरो दैट द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सर्फेस एंड नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लिविंग द सर्फेस मस्ट बी द सेम तभी तो आपको नेट फ्लक्स कितना मिलेगा जीरो सो so, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है द आंसर की शुड बी फोर ओके